हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कैंसर, छत्तीसगढ़ और मलेरिया की बीमारी के चपेट और आने से मौत के शिकार हुए सीआरपीएफ के जवान रहमान कन्नौजिया का अंतिम संस्कार मंगलवार को सरयू नदी के बेड़हर घाट पर हुआ। नायब तहसीलदार और सीओ ने जवान के शव पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके सलामी दी। उन सबके बाद जिस समय जवान के बूढ़े बाप ने कांपते हाथों से बेटे की चिता और आग लगाई तो उधर मौजूद लोगों की आंखें भर आई। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिवखरी गांव निवासी मंगल प्रसाद कन्नौजिया के बड़े पुत्र रहमानंद कन्नौजिया सीआरपीएफ और सिपाही पद पर छत्तीसगढ़ और तैनात थे। रविवार की सुबह उनकी मौत होने की सूचना उन सबके घर पहुंची। तभी से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। सोमवार की रात करीब 9 बजे उनकी लाश लेकर विभाग के लोग जिस समय उन सबके दरवाजे पर पहुंचे तो कोहराम मच गया। मंगलवार की सुबह से ही उन सबके घर अगल बगल गांवों के लोगों के साथ जनप्रतिनिधि जुटने लगे। जिस समय शव को दरवाजे से उन सबके 10 वर्षीय पुत्र प्रिंस व 6 वर्षीय विनय ने कंधा दिया तो मानो उधर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। दोपहर 12 बजे उनका शव सरयू नदी के बेड़हर घाट पर पहुंचा, जहां नायब तहसीलदार दीपक कुमार गुप्ता व सीओ ए के मिश्रा तथा सीआरपीएफ के डीसी कैलाश नाथ ने शव पर फूल माला चढ़ाने के बाद सलामी दी। 70 वर्षीय पिता मंगल प्रसाद जिस समय बेटे की चिता को आग के हवाले करने चले तो उन सबके हाथ कांप उठे। उधर उनको छोटा बेटा हमेशा आनंद व नाती प्रिंस ने संभाला। उन सबके बाद भारत माँ के जय घोष के साथ जवान की चिता और आग लगाई गई। इस मौके पर विधायक श्रीराम चौहान, शासन प्रतिनिधि महेंद्र दुबे, पूर्व विधायक अलगू प्रसाद चौहान, प्रमुख प्रतिनिधि राम मिलन यादव, पूर्व प्रमुख रामावृक्ष कन्नौजिया, प्रधान कपिल देव कन्नौजिया, जयराम यादव, अनिल यादव, अनिरुद्ध शुक्ल, राजन राय, दिलीप राय, रोलू राय, उमेश सिंह, लाल साहब सिंह, अनिल, नित्यानंद, शंभू यादव, अंगद चौधरी, अरविंद सिंह, चिकन सिंह, रमेश गौतम, ओम प्रकाश यादव आदि मौजूद रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।